वेलकम टू कुकिंग सुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई की रेसिपी। बहुत सी बार हम दाल फ्राई बनाते हैं लेकिन वैसा रिजल्ट हमारे पास नहीं आता जैसा हमको चाहिए, तो आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल फ्राई घर पे ही बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पर ली है चना दाल, 1/4 कप मैंने यहाँ पर लिया है मूंग दाल। इस तरह ये देखिए मैंने मूंग दाल ली है, और 1/2 कप मैंने यहाँ पर ली है तुवर दाल, आप देख सकते हैं। तीनों दालों को मैंने पानी में भिगो के 1 घंटे के लिए रख दिया है। पानी में भिगोने से दाल जो है फूल जाती है और बहुत जल्दी ही पकती है, तो आप देख सकते हैं फूल के कितनी दुगुनी हो गई है। दाल को अब हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे, तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसमें अब हम 1/4 कप डालेंगे हम पानी। अब तीनों दालें हम इसमें डाल देते हैं। हाफ टीस्पून हमें इसमें डालना है हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें कुकर को बंद करना है और 5 मिनट हमें इसको लो फ्लेम पे पकाना है, और जब 5 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हमें इसकी 4 बिसल लेनी है। जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको खोलेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, गैस पे रखा है मैंने पैन। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे घी। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हम इसमें डालेंगे हींग। हींग से जो है स्वाद अच्छा आता है। अब इसमें हमें ऐड करना है सूखी लाल मिर्च और अदरक, तो 2-3 लाल मिर्च मैं डालूंगी। 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है, तो वो भी इसमें हम डालेंगे। 1 बारीक कटा हुआ लाल टमाटर, वो भी हमें इसमें ऐड करना है। 1 टीस्पून डालना है लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से जो है दाल में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून हमें डालना है गरम मसाला। 1 टीस्पून हमें डालना है धनिया पाउडर, सूखा धनिया। हल्दी हमने डाल दी थी, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करूंगी। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें दूध, और 2 मिनट के लिए हमें इसको पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे दाल जो हमने उबाली थी, वो दाल हमें उबली हुई इसमें ऐड करनी है। थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें पानी, और सभी को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। 1 टीस्पून हमें इसमें डालना है लेमन जूस। सभी को हम एक बार अच्छे से पका लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। लेकिन एक चीज जो अभी इसमें हमें और ऐड करनी है वह है लाजवाब तड़का। तो तड़का हम एक बार फिर से बनाएंगे, तो 2 टीस्पून मैं इसमें घी ऐड करूंगी। थोड़ी हम डालेंगे इसमें हींग। अब हमें ऐड करना है जीरा, 2 से 3 हमें डालनी है सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे दूध। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़का बनकर हमारा तैयार हो गया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गैस की फ्लेम को अब मैं बंद कर देती हूँ, और थोड़ी सी ऊपर से मैं डालूंगी कसूरी मेथी। जो तड़का बनाया था वो हम डाल देते हैं दाल में। बहुत ही अच्छी दाल फ्राई हमारी बनकर तैयार हुई है। इसे हम नान तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है, आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ।